जैकमा बाद में गैस की मतवातर लोड शेडिंग जारी। शहरियों का कहना है कि हम बिल भी पेड करते हैं फिर भी गैस नहीं। शहरियों ने वफाकी हुकूमत को अपील की है कि गैस की लोड शेडिंग खत्म करके अवाम को रिलीफ दिया जाए। मजीद राज न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, यहाँ तक गैस की जो लोड शेडिंग उसके बिजनेस तबाह हो गया है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। उसरी हम मुतालबा करते हैं खुदा के वास्ते गैस समेत जैकबाद के शहर के बुनियादी मसल हल कर दी जाए। जैकबाद एशिया का गर्म तरन इलाका है, सर्द इलाके जो हैं वहाँ स्पेशल सहूलियात दी जाती हैं लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है जैकबाद एशिया का गर्म तरन इलाका होने के बावजूद कोई सहूलत नहीं। इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं खुदा के वास्ते गैस बिजली और दीगर मसाइल हल किए जाएँ। वजह से लोग इतने परेशान हैं, बगैर नाश्ते के लोग अपने कारोबार पर आ रहे हैं और जो लेडीज़ को सख्त तकलीफ हो रही है और मजबूर होकर वो पुराने दौर में आ गए हैं, लकड़ियाँ लेकर जला कर खाना पका रहे हैं। बार बार एहतजाज करने के बावजूद पहले तो कहते थे भाई पुरानी लाइने डैमेज हो गई हैं, इसमें पानी चला गया है, अब तो नई लाइने हो गई है। तकरीबन मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा हमारा शहर जो है नई लाइने बिछ गई है पर तब भी प्रेशर नहीं है गैस गम में, तो ज़ाहिर ही गफलत है। मैं वफाकी हुकूमत से अपील करूंगा कि इस चीज पे तवज्जो दी जाए और आवाम को इस तरह से अगर तकलीफें देंगे तो फिर मैं समझता हूँ लोकल ऑफिसर भी सुख चैन से नहीं बैठेंगे, फिर मजबूर होकर हमें एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। मैं दावा के साथ कहता हूँ कि जो गैस की टीम है वो मोहल्लों का विजिट नहीं करती, जो इनकी जिम्मेदारी है, और मोहल्ले वाले खुद आके निशानदेही करते हैं कि भाई इस मोहल्ले में गैस नहीं है कि आप अपनी टीम भेजें और जो फॉल्ट है वो निकालें। इनके पास बजट भी है, इनके पास जो है अमला भी है, फिर भी आवाम क्यों परेशान है? आखिर ऐसे नाहिल अफसरान जैकबाद में क्यों भेज देते हैं जहां पर मसलों के अंबार होते हैं? या तो फिर हम ये कहेंगे कि ये कोई बड़ी चीज़ देकर फिर यहाँ आते हैं ताकि बैठकर मिल बैठकर खाएं।